ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मद्रास हाईकोर्ट भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मद्रास हाई कोर्ट, जॉब लोकेशन मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग मद्रास हाई कोर्ट के अंदर मदुराई बेंच के अंदर होगी। पोस्ट नेम लो क्लर्क की है, नंबर ऑफ वैकेंसी 68 है। जी हाँ दोस्तों, लो क्लर्क पोस्ट के लिए 68 वैकेंसीज निकाली गई है। अप्लाई मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके आवेदन शुरुआत होने की तिथि है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि इसमें आवेदन होने शुरू हो रहे हैं। और लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड 22 अप्रैल 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मोड 25 अप्रैल 2019 है, यानी कि अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2019 रखी गई है। इसका मतलब आपको इस स्थिति से पहले ही आवेदन करना होगा। और अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 25 अप्रैल 2019 से पहले ही आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा। जॉब टाइप तमिलनाडु गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, ये भर्ती तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ये भर्ती ऑल इंडियन कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट hcmadras.tn.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएट इन लो अंडर 10+2+3+3 की योग्यता है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास लो डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर और दिया गया, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन द इंडियन यूनियन एंड रिकॉग्नाइज बाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन एज एडवोकेट और अटॉर्नी ऑफ एन इंडियन कोर्ट, यानी कि इसके अंतर्गत आपको आपकी जो ग्रेजुएट इन लॉ है वो होनी चाहिए। एज लिमिटेशन, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2019 तक 30 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेशनलिटी इंडियन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से हो तो आप तब भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं इसके जो आपको सिलेक्शन है वो किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन वीवा वॉइस टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें इसके अलावा आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, ना ही इसके अंदर एग्जाम है। और मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता भी नहीं है, यानी कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो और चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी डिटेल, यानी कि सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको 30,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सैलरी के तौर पर सिलेक्ट हो जाने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई के बारे में, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है hcmadras.tn.nic.in। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाना है और अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाने के बाद उसके बाद आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसको एक बार अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके उसको जो एड्रेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको उस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। और दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी दे देता हूँ और साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 68 वैकेंसीज ऑफ लो क्लर्क टू दी ऑनरेबल जस्टिस,
यानी कि ऑनरेबल जज के लिए ये भर्ती जारी की गई है। और इसमें आपको सिलेक्ट होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जज को असिस्ट करना है, यानी कि जज का जो काम होता है असिस्ट करने का, वो आपको करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एज के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में भी यहाँ पर आपसे जानकारी दी गई है, यानी कि जो जानकारी अभी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो सभी जानकारी इसी के आधार पर दी गई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप यहाँ पर सभी जानकारी देख सकते हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, आपको असिस्ट ऑनरेबल जजेज नॉट ओनली इन द जुडिशियल वर्क बट ऑल्सो इन दियर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज फॉलो, यानी कि आपका जो नेचर रहेगा सिलेक्ट होने के बाद वो यहाँ रहेगा, ये रहेगा जो कि यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जुडिशियल के अंदर कौन सी जानकारी, कौन से काम करने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पर आपको कौन से काम करने हैं। पीरियड ऑफ असाइनमेंट एंड रीअसाइनमेंट के लिए डीअसाइनमेंट की जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसको भी रीड कर सकते हो। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको ऑफलाइन माध्यम से भर करके भेजना है और ऑनलाइन लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में बताना है या नहीं बताना है। अगर आप ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देते हो यानी कि व्यूज देते हो और इस वीडियो पर कमेंट करते हो कि सर हमें बताइए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो जितनी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आएगी मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द से इसके बारे में वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा स्टेप टू स्टेप कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी है। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको जो मेन जानकारी थी वो सभी जानकारी दे दी है। अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई और सवाल है या आपको कोई सुझाव है तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।